को लेकर दावा किया है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर मामले को सुलझाने में अमेरिका की मदद मांगी थी। बड़ी हैरानी की बात है कि डोनाल्ड ट्रंप अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कैसे इतनी सादगी से, सफाई से झूठ बोल रहे हैं। हालांकि रवीश कुमार ने इस मामले में, जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता है, उन्होंने क्लियर कर दिया है कि भारत ने ऐसी कोई बात ही नहीं की। भारत और अमेरिका की मुलाकात जापान में हुई थी G20 सम्मेलन के दौरान और ऐसी कोई बात नहीं हुई है। ट्रंप ने यह बात सोमवार को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से मुलाकात के दौरान कही है। इमरान खान ने कल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से व्हाइट हाउस में मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान इमरान खान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने कश्मीर मुद्दे को रखा है। इस पर ट्रंप ने कहा है कि हम मध्यस्थता को तैयार हैं और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमसे इस मुद्दे को सुलझाने में मदद मांगी थी। इधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे का विदेश मंत्रालय ने सीधे खंडन कर दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे कभी मदद मांगी थी। अब वो तारीख भी बता देते डोनाल्ड ट्रंप तो बेहतर होता। भारत ने कहा पाकिस्तान के साथ केवल कश्मीर पर द्विपक्षीय बातचीत कर सकता है। और कल पाकिस्तान ना अंतर्राष्ट्रीय मंच पर गिड़गिड़ा रहा था। गिड़गिड़ा इसलिए रहा था कि वो भारत से संबंध रखना चाहता है, व्यापारिक मामले तमाम मामलों में वो संबंध रखना चाहता है, लेकिन भारत पाकिस्तान से कोई संबंध रखना चाहता नहीं है। अब अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है यह भी समझिए, क्योंकि अभी पाकिस्तान चीन की गोद में बैठा हुआ है और अमेरिका ये चाहता है। और राहुल, इमरान खान की तो अमेरिका में भी फजीहत ही हुई थी, क्योंकि इमरान खान जब से अमेरिका पहुंचे थे वहां पर किसी भी अधिकारी तो छोड़िए, कोई नेता मंत्री तो छोड़िए, इमरान खान से मिलने के लिए कोई भी नहीं पहुंचा था। यानी कि मेट्रो का सफर करते हुए इमरान खान पहुंचे थे अपने राजदूत के पास। इमरान खान, चलिए बिल्कुल ये हालात है। ये तो बात हुई, आगे बढ़ेंगे। आज अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा, ये बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश के लिए। अनुपूरक बजट पेश करेगी योगी सरकार, वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल अनुपूरक बजट पेश करेंगे। नजर हमारी होगी, दोपहर 12:20 पर पेश किया जाएगा बजट। उम्मीद है कि विपक्ष कम से कम अनुपूरक बजट पेश करने के दौरान शांति से बैठ के सुनना चाहेगा या सुनेगा, हम ये उम्मीद कर सकते हैं। हालांकि वो वेल में आकर हंगामा करेगा एलकेजी के बच्चों की तरह, ये भी तय है। पुरानी योजनाओं को रफ्तार मिलेगी, 2019-20 का पहला अनुपूरक बजट है। बजट से पुरानी योजनाओं को रफ्तार तो मिलनी बहुत स्वाभाविक है। 9:30 कैबिनेट की बैठक होगी। और प्रज्ञा एक चीज आप जान लीजिए, जब भी बजट पेश होता है उसके पहले कैबिनेट की बैठक तय है। कैबिनेट की बैठक होती है, उसमें मुख्यमंत्री या देश का प्रधानमंत्री अपनी सहमति देता है, उसे पास करता है कि ठीक है आप पेश कीजिए, फिर वो आगे पेश किया जाता है। ये प्रक्रिया है। आज 12:20 पर बजट पेश किया जाएगा। 15,000 करोड़ से अधिक का ये बजट होगा। और ध्यान ये दीजिएगा, जरा दर्शक इस बात को समझ ले कि ये अनुपूरक बजट है, पूर्ण बजट है, अनुपूरक बजट है। अनुपूरक बजट पेश करेगी योगी आदित्यनाथ की सरकार। और फरमान अब्बास इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लाइव जुड़े हुए हैं। फरमान अब्बास, जरा अनुपूरक बजट आज पेश किया जाएगा 12:20 पर, ये पेश क्यों किया जा रहा है अनुपूरक बजट, और सारी जानकारी हमारे दर्शकों को दीजिए। देखिए, आज जो विधानसभा का जब सत्र शुरू होगा ठीक 11:00, तो उसके बाद प्रश्नकाल चलेगा और 12:20 तक जो प्रश्नकाल होता है उसके बाद ये अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। उससे पहले आज योगी सरकार की बहुत अहम कैबिनेट की बैठक है 9:30 से, और उसमें अनुपूरक बजट से जुड़ा हुआ जो प्रस्ताव है वो लाया जाएगा और उसके बाद आज सदन में अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। तकरीबन 15,000 करोड़ से भी अधिक का ये अनुपूरक बजट होगा, जिसमें मुख्य रूप से राहुल फोकस जो रहने की उम्मीद है कि जो गंगा सफाई अभियान है उस पर फोकस रहेगा। इसके अलावा अयोध्या और प्रयाग की से जुड़ी हुई जो परियोजनाएं हैं उनके ऊपर फोकस रहेगा। 15,000 करोड़ से भी ज़्यादा का बड़ा अनुपूरक बजट होगा, जिसमें उत्तर प्रदेश की जो तमाम परियोजनाएं हैं उनको गति देने के लिए जो बजट की आवश्यकता है, जो धन की आवश्यकता है उसको स्वीकृत किया जाएगा। अच्छा फरमान, कल तो तीसरा दिन था विधानसभा सत्र का, वो जो था वो रद्द कर दिया गया था, स्थगित हो गया था, क्योंकि इतना हंगामा हुआ, तो आज का दिन भी लग रहा है कि हंगामा होगा।
देखिए विपक्ष के पास तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर वो सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। मसलन सोनभद्र का मुद्दा है, उस पर कांग्रेस के जो विपक्षी सदस्य हैं, कांग्रेस के जो सदस्य हैं वो चर्चा कराए जाने की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा कानून व्यवस्था की मुद्दा है जिस पर समाजवादी पार्टी सरकार को घेर रही है, बीएसपी के सदस्य भी सवाल खड़े कर रहे हैं। तो ऐसे में सदन की कार्यवाही के दौरान सरकार को घेरने की कोशिश आज भी ये उम्मीद जताई जा रही कि जो विपक्ष है उसकी रणनीति ये रहेगी कि आज भी सरकार को सदन में घेरा जाए। बिल्कुल, सदन में घेरा जाए, ये फरमान अब्बास बता रहे हैं। 9:30 बजे पहले कैबिनेट की बैठक होगी, कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी जाएगी बजट को, उसके बाद बजट 12:20 पर पेश किया जाएगा। ये बड़ी खबर है, तो इस पर नजर रहेगी। बहुत शुक्रिया फरमान अब्बास इस पूरी जानकारी के लिए। और आगे हम आपको क्या दिखाने वाले हैं अगले आधे घंटे में या 20 मिनट में, हम आपको क्या दिखाने जा रहे हैं सबसे पहले वो भी आप जान लीजिए, यानी हमारी कमिंग अप स्टोरी क्या है वो देख लीजिए आप। तो बुलेटिन में हमारे पास एकदम खास है, कैपिवारा का काम तमाम। कैपिवारा एक जानवर है जिसे आप देख सकते हैं, तो इसका काम तमाम किसने कर दिया, कैसे कर दिया, ये दिखाएंगे आपको। सुबह सुबह जब गंगा आरती की अद्भुत तस्वीरें दिख जाएं तो मन कितना खुश हो जाता है राहुल। बिल्कुल, निश्चित तौर पर। और गंगा से याद आया कि अयोध्या में श्री राम की बड़ी, सबसे बड़ी प्रतिमा लगने वाली है, विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा लगने वाली है, 251 फीट ऊंची प्रतिमा होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बैठक होगी राहुल। निश्चित तौर पर, ये भारत समाचार ने इस खबर को आज से 15 दिन पहले ही ब्रेक किया था। ये बड़ी खबर है नो डाउट, लेकिन इसमें अपडेट है। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बैठक हुई है। दरअसल इसमें अपडेट ये है कि सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बैठक हुई है। सरयू नदी के किनारे 100 एकड़ जमीन पर मूर्ति लगेगी। भारत समाचार ने आज से ठीक 15 दिन पहले ये बता दिया था अपने दर्शकों को कि 251 फीट जो कि विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा होगी और 100 एकड़ जमीन पर ये मूर्ति लगेगी। सीएम की अध्यक्षता में ट्रस्ट का गठन भी कर दिया गया। देखिए इसमें प्रज्ञा अपडेट ये है कि सीएम की अध्यक्षता में बैठक हुई है और सीएम की अध्यक्षता में ट्रस्ट का गठन कर दिया गया है, यानी किसे इस काम को करना है और उस मूर्ति की देखरेख किसे करनी है, ट्रस्ट का गठन कर दिया है। अब उसमें देखना होगा उस ट्रस्ट में कौन कौन लोग हैं। लेकिन राहुल, अयोध्या में जो लोग हैं उनका जो सबसे पहला चाह है, इतने सालों से जो इंतजार कर रहे हैं श्री राम लला का मंदिर बने की, उनकी मूर्ति जाने की। आप तो रामलला के मंदिर की बात कर रहे हैं, यहाँ सीएम योगी आदित्यनाथ विश्व की सबसे ऊंची मंदिर बनाने की ये बैठक भी कर चुके हैं, लगाने की बात हो रही है। लेकिन अयोध्या के लोगों के दिल में जो है ना वो सिर्फ श्री राम लला का। आप देखिए, अब ये दिल वाली बात तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इस मूर्ति के लगने से निश्चित तौर पर अयोध्या वासी और देशवासियों में भगवान राम के प्रति श्रद्धा जो है वो समझ में आएगी कि चलिए इस सरकार ने कुछ तो काम किया और इस सरकार की मनसा है कि वो राम मंदिर का निर्माण करे। सरकार से उम्मीदें भी हैं लोगों को कि जितनी जल्दी हो सके रामलला का मंदिर पर जो भी विवाद है सरकार से क्या, वो तो सुप्रीम कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है। लेकिन उम्मीद तो थी, मामला न्यायिक है। जब बात बीजेपी की होती है तब तक राम मंदिर का नाम तो हर किसी को याद आ जाता है और उम्मीद भी लगा लेता है। कोई कमी नहीं छोड़ी है, बिल्कुल कोई कमी नहीं। कारण है कि इतनी बड़ी मूर्ति लगवाई जा रही है लोगों के लिए। खैर, अगली खबर हापुड़ से है, जहां पर हापुड़ के मुरादपुर गांव में जमीनी विवाद को लेकर के दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चलाए गए हैं, हथियार भी चलाए गए हैं, जूते चप्पलों से भी मारपीट हुई है। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बिल्कुल, ये जमीन के विवाद का मामला था जहां पर जमकर लाठी डंडे चले हैं। और इस सरकार में भी एक चीज बड़ी कॉमन है, जमीन विवाद का मामला हमेशा उभर रहा है और इस ओर एसडीएम को ध्यान देना चाहिए और जिला अधिकारी को भी, और एक बड़ी बैठक जरूर इस पर होनी चाहिए लखनऊ में, चूंकि जिस तरह से जमीन विवाद के मामले लगातार सामने आ रहे हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं है। आपने देखा सोनभद्र का नरसंहार भी आपने देखा, वो जमीन विवाद का ही मामला था, और ये हापुड़ की जो तस्वीरें देख रहे हैं ये भी जमीन विवाद का मामला है। और अभी देखिएगा तकरीबन 10 खबरें ऐसी आएंगी जहां जमीन विवाद की वजह से लाठी डंडे या गोली चलेंगी। मैं सिर्फ आज की बात कर रहा हूं क्योंकि मैं रेगुलर खबर पढ़ रहा हूं, तो इस तरह की खबरों की भरमार है उत्तर प्रदेश में। जमीन विवाद का मामला एक बहुत
बड़ा मामला हो गया है। कल भी नाहिद हसन ने जमीन विवाद का ही मामला था, वो कह रहे थे कि आखिरकार इनके साथ ऐसा क्यों किया गया, क्यों इनकी जमीनें गिरा दी, हालांकि वो जमीन नगर पालिका की थी, 2003 में ही जिलाधिकारी ने नगर पालिका को दे दी थी, लेकिन वो पिछले 25 साल से रह भी रहे थे। अगर आप 15 साल से रहते हैं तो अपना दावा भी कर सकते हैं, ऐसा लोग कहते हैं। देखिए सरकार की तरफ से इतनी सारी चीजें की जा रही हैं, एंटी भू माफिया पोर्टल भी बनाया गया है जिसकी वजह से ऐसा कोई विवाद ना हो, लेकिन ये विवाद रुकने का नाम नहीं ले रहा। एंटी भू माफिया पोर्टल से कुछ नहीं होगा, लेकिन बड़ी खबर ये है, सहारनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में दो बदमाशों को गोली लगी है, मुठभेड़ में एक कांस्टेबल भी घायल हुआ है। दोनों बदमाश कई मुकदमे में वांछित थे। स्वाट टीम और सर्विलांस टीम को ये एक बड़ी कामयाबी मिली है, नो डाउट इसमें कोई संदेह नहीं कि ये बड़ी कामयाबी है। दोनों बदमाश कई मुकदमे में वांछित थे। स्वाट टीम और सर्विलांस टीम को ये एक बड़ी कामयाबी मिली है, हालांकि ये क्लियर नहीं हो गया हो पाया है इसमें कि कितने हजार के इनामी बदमाश थे जिन्हें आप देख रहे हैं, इनको पुलिस ने पकड़ा है और ये हेड कांस्टेबल हैं जिनके शायद हाथ में गोली लगी है या गोली छू कर निकल गई है, ये भी कह सकते हैं क्योंकि ब्लड बहुत गिर नहीं रहा है। और ये देखिए बदमाश है जिसके पैर में गोली लगी है। एनकाउंटर ताबड़तोड़ तो हो रहे हैं, लेकिन अपराधी भी उसी तरह से ताबड़तोड़ वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, दोनों तरफ से एक समान काम हो रहा है। बहरहाल एनकाउंटर से बदमाश तो पकड़े जा रहे हैं और कई खबरें ऐसी भी सामने आई कि कुछ बदमाश ये कह रहे हैं कि आप हमें जेल में ही डाल दीजिए। देखिए ये वही बदमाश है जिसे पकड़ा गया, हालांकि इनामी राशि का अभी जानकारी नहीं हुई है कि इनके ऊपर कितने हजार का इनाम रखा गया था। देखिए ये वही हेड कांस्टेबल है जिन्हें गोली लगी है, कहिए ये गोली छू कर चली गई है। तो अब राहुल अगली खबर बरेली से है जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच बड़ी मुठभेड़ हुई है, 50,000 का इनामी गिरफ्तार हो गया है। हाँ ये निश्चित तौर पर ये बड़ी सफलता है, क्योंकि 50,000 का इनाम तभी रखा जाएगा जब वो कुख्यात अपराधी होगा। एक बदमाश मौके से फरार है, लूट डकैती में ये वांछित चल रहा था, इसके पास से तमंचा भी मिला है और साथ ही साथ कारतूस, बाइक और कैश भी बरामद किया गया है। ये पूरा मामला सुभाष नगर थाना क्षेत्र का है जहां पर ये मुठभेड़ हुई है, 50,000 का इनामी बदमाश पकड़ा गया है। ये 50,000 का इनामी बदमाश है, पुलिस और बदमाशों के बीच यहां मुठभेड़ हुई है, एनकाउंटर ताबड़तोड़ लगातार जारी है, 50,000 का इनामी गिरफ्तार किया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी है और इसी ऑपरेशन क्लीन के जरिए 50,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार किया गया है। हालांकि एक बदमाश जो है वो अभी तक फरार है, लेकिन ये जो बदमाश पकड़े गए हैं ये बहुत इनामी बदमाश हैं जो जिन पर 50,000 रुपए का इनाम था। तो पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है, यानी कि पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जो है वो पूरी तरीके से मुस्तैदी में लगा हुआ है और ऐसे अपराधियों को पकड़ रहा है जो अलग अलग अपराधों में लिप्त थे। निश्चित तौर पर 50,000 का इनामी बदमाश को पकड़ा गया और ये बड़ी कॉमन बात है कि मुठभेड़ में एक बदमाश फरार होने में जरूर कामयाब हो जाता है। चलिए बुलंदशहर की ओर चलते हैं राहुल। बुलंदशहर में भी पुलिस का ऑपरेशन क्लीन नजर आ रहा है जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच बड़ी मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 25,000 के इनामी गिरफ्तार हो गए हैं। चार कार सवार बदमाशों ने सिपाहियों को गोली मार दी थी। मुठभेड़ में बदमाशों को भी गोली लगी है, बाइक, कार, तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। खुर्जा कोतवाली सिटी पुलिस से मुठभेड़ हुई है, ये बड़ी खबर है। तो यानी कि हम अभी जो खबरें दिखा रहे हैं वो पुलिस के ऑपरेशन क्लीन से कनेक्टेड हैं। देखिए एक के बाद एक किस तरीके से बदमाश पकड़े जा रहे हैं और पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है, लेकिन अगर देखा जाए तो पूरे उत्तर प्रदेश में अपराधियों के अपराध भी मुस्तैद हैं। एक और खबर है, बस्ती से रेप के आरोपी की पुलिस से मुठभेड़ हो गई है। पुलिस मुठभेड़ में आरोपी को गोली लगी है। नाबालिग से गैंगरेप का मुख्य आरोपी असगर है। हरदिया मनोरी चौराहे के बीच ये मुठभेड़ हुई है। तो नाबालिग से गैंगरेप का मुख्य आरोपी से मुठभेड़ हुई थी
ये तस्वीर आप देख सकते हैं बिल्कुल साफ, देखिए। और उसने दो तीन पुलिस वहां पे, हम लोग पुलिया तो पहले हम लोग किनारे बैठे थे। तो भाई देखिए, पुलिस का ऑपरेशन क्लीन किस तरीके से जारी है और पुलिस लगातार अपराधियों पर लगाम कसने की अपनी पूरी मुस्तैदी से कोशिश कर रही है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आपको जंगल की ओर लेकर के चलते हैं। जंगल में जानवरों की भूख उन्हें शिकार के करीब ले जाती है, फिर कितना भी मुश्किल हो वो शिकार तक पहुंच ही जाती है। तो आइए हम आपको जंगल की एक ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जो भूख से निपटने के लिए कैपिवारा को शिकार बनाया गया। किसने बनाया, कैसे बनाया, इसके लिए आपको ये रिपोर्ट देखनी पड़ेगी। जंगल में नदी किनारे कुछ कैपिबारा मौजूद और वो पानी पी रहे हैं। वहीं एक शिकारी तेंदुए की नजर कैपिबारा पर थी। कैपिबारा तैर कर नदी के दूसरे किनारे पर जा रहा था कि कैपिबारा की नजर शिकारी तेंदुए पर पड़ी और वो खतरे को भाप कर वहां से निकल लिया। तेंदुआ अपने शिकार की तलाश में नदी में उतर गया और तैर कर कैपिबारा के शिकार के लिए नदी में उनका पीछा करने लगा। वहीं कैपिबारा नदी पार कर दूसरी तरफ आ गया। तेंदुआ धीरे धीरे शिकार के करीब पहुंच गया और देखिए किस तरह से दबे पांव तेंदुआ अपने शिकार पर हमला करने का मन बना रहा है। खतरे से अनजान कैपिबारा आराम से खेल रहे थे। मौका देख तेंदुए ने कैपिबारा पर हमला कर दिया और देखिए कैपिबारा तेंदुए के शिकार करने से बचने की कोशिश कर रहा है। तेंदुआ और कैपिबारा में जिंदगी और मौत की जंग शुरू हो चुकी है और इस जंग में आखिरकार तेंदुए की जीत होती है और कैपिबारा की हार। स्पेशल डेस्क भारत समाचार। तो देखा कैसे कैपिवारा जो था वो शेर का शिकार, तेंदुए का शिकार बन गया। तो भाई अब आगे बढ़ते हैं थोड़ी, जो अब हम खबर आपको बताने वाले ना ये गर्मी से निजात दिलाने वाली है। मतलब कि इतनी बढ़िया खबर है कि मुझे ना सुन करके बड़ी ठंडक महसूस हो रही है। भीषण गर्मी से लोगों को निजात मिल चुकी है क्योंकि सुबह से रिमझिम रिमझिम बारिश हो रही है। भाई तेज हवाओं के साथ रिमझिम बारिश ने कसम से लोगों का दिल जो है वो बहुत खुश करके रखा है। लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ गई है क्योंकि कन्नौज सदर क्षेत्र में भारी बरसात हुई है जिसकी वजह से गर्मी से बहुत राहत मिली है। ये तस्वीरें आपको बेशक आंखों को ठंडक पहुंचा देंगी। देखिए राहत की बारिश हो चुकी है। और इस बीच सोनभद्र की घटना का सबसे ताजा वीडियो भारत समाचार के पास है। भारत समाचार के पास नरसंहार का वीडियो है। एक ही स्थान पर कई लोगों को मौत के घाट उतारा गया है। हत्यारों ने गांव में मौत का खेल खेला था। गांव के खड़ंजे पर लोग मृत पड़े चीखते दिख रहे हैं। बुजुर्गों, युवकों और महिलाओं के शव पड़े हैं। नरसंहार का दिल दहला देने वाला ये वीडियो है। बहुत ही निर्दयता के साथ इनकी हत्याएं की गई हैं। वीडियो में गांव के लोग चीख चीख कर रो रो कर अपनी व्यथा बता रहे हैं। सोनभद्र का अब तक का ये सबसे दर्दनाक वीडियो है। गोली चलावत के रहा, झाड़ू चलाओ रहा बोली। अच्छा झाड़ू नाम ले एकदम लाम ले ना। हां नीरज और अच्छा नीरज चलाओ तो हम बोली। हां जा ले क्या हो, नीरज भी गोली चलाओ रहा। हां बोलो मैं कौन देखा बना एकदम गोली है मारत रहे ने तो मारे नहीं पावत रहे सब सारे एकदम गोली मारे बात विचार नहीं रहा के एकदम गोली चलावे लगे। देखिए आप देख सकते हैं कि तस्वीरें सोनभद्र की है, ये तस्वीरें गवाह हैं। इस वीडियो के जरिए प्रज्ञा एक नीरज नाम के शख्स का नाम भी उभर कर आ रहा है और क्योंकि वो गोली चला रहा था ऐसी बातें हो रही हैं। फरमान अब्बास मंजूल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पे। फरमान, इस ताजा वीडियो में जो भारत समाचार के पास है सब कुछ क्लियर है? 9 लोग तो दिख रहे हैं जिनको
मार डाला गया और किसी नीरज नाम के शख्स ने ऐसा किया है, मतलब वो भी गोली चला रहा था। लाठी से मार हम गोली लगा था, भागे ना कहीं के वो नहीं आप देख सकते होंगे तस्वीरों में कि किस तरह से वहाँ पर जो घायल हैं वो पड़े हुए हैं, इसके अलावा जो जिन लोगों की मौत हुई है वो पड़े हुए हैं और अफरा तफरी का माहौल है। जो गांव वाले हैं वो किस तरह से परेशान और हैरान नजर आ रहे हैं, किस तरह से बेचैन नजर आ रहे हैं, लेकिन कोई मदद करने वाला इनकी नहीं है। वहां पर ना किसी तरह की कोई एम्बुलेंस पहुंची है, ना ही कोई मदद के लिए लोग पहुंचे हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना विभत्स दृश्य रहा होगा और कितना लोग परेशान और हैरान रहे होंगे और कितना मजबूर रहे होंगे। फरमान, अच्छा इस वक्त इस तस्वीरों में तो साफ नजर आ रहा है कि ये बेचारे जो आदिवासी हैं उनके हाथ में तो कुछ नहीं है, किसी भी तरह का कोई हथियार नहीं है, लेकिन ये जो बदमाश है वो लगातार गोलियां चला रहे हैं निहत्ते आदिवासियों पर। देखिए बिल्कुल बातचीत से बिल्कुल साफ जाहिर हो रहा है कि अगर उनकी बातचीत पर सुने, एक तरफ घायल पड़े हुए हैं जो जो जिनकी मौत हुई वो लोग पड़े हुए हैं और गांव की जो औरतें हैं वो खासतौर से बात कर रही हैं कि किस तरह से हमला किया गया और किस तरह से कौन लोग गोली चला रहे थे और अचानक गोली चला रहे थे। ये निहत्थे थे, अपनी जमीन को बचाने के लिए वहां पर पहुंचे थे और इन निहत्थे लोगों पर किस तरह से गोलियां चलाकर उनको मौत की घाट उतारा गया और किस तरह से उनको उनके ऊपर इस नरसंहार को अंजाम दिया गया। चलिए बहुत शुक्रिया आपका फरमान अब्बास इस पूरी जानकारी के लिए। फरमान अब्बास हमारे संवाददाता ने इस वीडियो के बारे में पूरी जानकारी दी है और उन्होंने बताया है कि भद्र में किस तरीके से सिर्फ जमीन के मामले के लिए एक छोटी सी लापरवाही है यहाँ पर, क्योंकि अगर वहां पर पुलिस मौके पर पहुंच जाती, प्रशासन थोड़ा सा अलर्ट हो जाता तो शायद इतना बड़ा नरसंहार नहीं होता, क्योंकि वहां पर दर्जनों की तादाद में लोग थे निहत्ते, गांव वालों पर गोलियां बरसा रहे थे लगातार, जिनके पास अपनी रक्षा के लिए कुछ नहीं था, वो अपनी सिर्फ जमीन को बचाने के लिए वहां पर डटे हुए थे और मौत की घाट उतार दिए गए। बिल्कुल, अब खबरों में आगे बढ़ेंगे निश्चित तौर पर। और ये तस्वीरें संभल की है, गुन्नौर के राजघाट की तस्वीरें हैं, गंगा आरती की तस्वीरें सुबह सुबह, और ये बनारस नहीं है, ये बहुत क्लियर आप जान लीजिए। संभल की तस्वीर आप देख रहे हैं, नहीं ये प्रयागराज का संगम का क्षेत्र है, ये संभल का इलाका है जहाँ पर आप देख सकते हैं कि गंगा आरती का आयोजन किया, सैकड़ों गंगा भक्त यहाँ पर पहुंचे हुए थे। वाराणसी की तर्ज पर संभल में भी ये महाआरती की गई। अब गंगा घाट पर रोजाना महाआरती होगी, आज महाआरती में सैकड़ों भक्त उमड़े हैं। तो बनारस के विद्वानों के साथ महाआरती हो रही है जो कि अब हमेशा होगी, मुन्नौर के राजघाट में ये आरती हो रही थी। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक लेने का, क्योंकि आज आपको बहुत सारी खबरों से बाखबर रखना है। हम यूं गए और यूं आए।